हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने बीते 17 दिसंबर को एक बयान दे दिया है, जिसके बाद वो खुद एक चर्चा का विषय हो गए। देखिए, बयान कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने साफ जनता को कहा है कि मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों विदेश में रहते हैं, और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम्हें वहां का सिटीजनशिप मिल जाता है तो वहां रह जाओ, भारत की स्थिति अब ठीक नहीं है, जो यहाँ पर आप लोग सरवाइव कर सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर वो कह रहे हैं मुसलमान वर्ग को कि मुसलमान जो हैं वो भारत में सुरक्षित नहीं है, माहौल जो है अब भारत का बिगड़ चुका है। देखिए, बीते 17 तारीख को किस तरीके से अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने यह बयान दिया, पहले पूरा बयान सुने आप। मैं एक अंतिम में आखिरी में एक शेयर करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहां। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़, ये दौर आ गया। तो आपने साफ सुना किस तरीके से अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो है वो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। अपने बेटे और बेटी के संदर्भ में उन्होंने साफ कहा है कि दोनों देश से बाहर रहते हैं, विलायत में पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में जो बेटी है उनको उन्होंने साफ कहा है कि आप उधर ही रह जाएं, उधर ही जॉब करें। अब भारत की स्थिति वैसी नहीं रह गई है, यानी कि वो संदर्भ उनका है कि जो मुसलमान है भारत में वो सुरक्षित नहीं है, मुसलमान को बाहर ही चला जाना चाहिए भारत से, क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। ये वही अब्दुल बारिक सिद्दीकी हैं जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में उन्होंने साफ अपने बयान में कह दिया है कि मुसलमान जो है वो भारत में सुरक्षित नहीं है। अपने बेटे बेटी को उन्होंने साफ संदर्भ में कहा है कि वो लोग बाहर ही रह जाएं, वहीं का सिटीजनशिप मिलता है तो रह जाएं, यहाँ पर भारत में अब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है इससे साफ साबित होता है कि जो मुसलमान वर्ग है वो भारत में सुरक्षित नहीं है, या उनकी व्यवस्था के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। देखना होगा कि इस बयान के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।